نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग जमात चशम में आपको खुशामदीद। मेरा नाम इकरा आफ्ताब है। मज़मून आपका इस्लामियात बाब दोम में ईमानियात और इबादत, सबक नंबर दो नमाज। तो बच्चों ये है हमारा हिस्सा दोम जिसमें हम मश्की सवालात जवाबात के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने अपनी कॉपी पर मार्जिन लाइन लगानी है, इसके बाद आपने सबसे ऊपर नंबर शुमार लिखना है, मज़मून इस्लामियात, घर का काम और मोरखा। तो बच्चों इसके बाद आपने सबक नंबर तीन की हेडिंग देनी है मार्कर के साथ, उसके बाद ईमानियात व इबादात की हेडिंग देनी है मार्कर के साथ, इसके बाद नमाज की हेडिंग देनी है मार्कर के साथ। फहरिस्त जो है आपने मार्कर से लिखना है। नंबर वन आपने लिखना है अल्फाज मायनी सात, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें छः, दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदही करें पाँच, मुख्तसर सवालात जवाबात चार, तफसीली सवालात जवाबात दो। इसके बाद बच्चों आपने नीचे एंडिंग लाइन लगा के काम को ख़त्म कर देना है। तो प्यारे बच्चों अब आपने अगले सफ़े पर हेडिंग देनी है सबक नंबर तीन ईमानियात व इबादात, नमाज, ये सब आपने मार्कर से हेडिंग देनी है। इसके बाद अल्फाज मायनी का पेज बनाना है। अल्फाज जो है आपने मार्कर से लिखने हैं और मायनी जो है आपने पेन से लिखने हैं। नंबर वन हमारे पास है सलात, जिसके मायनी है नमाज दुआ। नंबर टू हमारे पास है तर्क करना, छोड़ देना। नंबर थ्री हमारे पास है मेराज, बुलंदी। नंबर फोर हमारे पास है यक्सा, बराबर। नंबर फाइव हमारे पास है अतात, फरमाबरदारी। नंबर सिक्स हमारे पास है तकवा, परहेजगारी। नंबर सेवन हमारे पास है निजासत, गंदगी। इसके बाद बच्चों आपने एंडिंग लाइन लगा के काम को ख़त्म कर देना है। तो प्यारे बच्चों आपने अगले सफ़े पर हेडिंग देनी है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, मार्कर के साथ लिखना है। नंबर वन है सलात के लगवी मायनी हैं, नंबर वन इबादत, नंबर टू नमाज, नंबर थ्री दुआ, नंबर फोर ज़िक्र। दुआ पर दायरे का निशान लगाना है। नंबर टू है हदीस मुबारक के मुताबिक जानबूझकर नमाज छोड़ना, नंबर वन गुनाह, नंबर टू बुराई, नंबर थ्री कुफर, नंबर फोर गलती। कुफर पर दायरे का निशान लगाना है। नंबर थ्री है राकीन के मायनी हैं, नंबर वन रकू करने वाले, नंबर टू सजदा करने वाले, नंबर थ्री बैठने वाले, नंबर फोर उठने वाले। रकू करने वाले पर दायरे का निशान लगाना है। इसके बाद नंबर फोर हमारे पास है हदीस मुबारक की रूह से दीन का सतून है, नंबर वन ज़कात, नंबर टू रोज़ा, नंबर थ्री हज, नंबर फोर नमाज। नमाज पर दायरे का निशान लगाना है। नंबर फाइव हमारे पास है अलमुनकर के मायनी हैं, नंबर वन इनकार करने वाला, नंबर टू बुराई, नंबर थ्री नाकाबिले इनकार, नंबर फोर रद्द करना। इनकार करने वाला दायरे पर निशान लगाना है। नंबर सिक्स है हमारे पास नमाज की शराइत में से है, नंबर वन कयाम, नंबर टू तहारत, नंबर थ्री अमानतदारी, नंबर फोर सच्चाई। तहारत पर दायरे का निशान लगाना है। तो बच्चों लास्ट में आपने एंडिंग लाइन लगाकर काम को ख़त्म कर देना है। तो प्यारे बच्चों अगले सफ़े पे आपने हेडिंग देनी है दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदही करें। नंबर वन हमारे पास है इस्लाम में तौहीद के बाद सबसे अहम रुकन नमाज है, टिक का निशान लगाना है। नंबर टू है मर्द के लिए नमाज में तमाम बदन को छुपाना ज़रूरी है, गल का निशान लगाना है। नंबर थ्री है तकबीर तहरीमा के बाद नमाजी पर बातचीत करना हराम हो जाता है, टिक का निशान लगाना है।
नंबर फोर है, किसी भी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जा सकती है, गल का निशान लगाना है। नंबर फाइव है, नमाज में बैठने की हालत को कादा कहते हैं, टिक का निशान लगाना है। इसके बाद बच्चों आपने एंडिंग लाइन लगा के काम को ख़त्म कर देना है। तो बच्चों मुख्तसर सवाल जवाबात में हमारे पास नंबर वन है, कयाम के क्या मायनी है? जवाब है, कयाम के मायनी है सीधा खड़ा होना। कयाम से मुराद ये है कि नमाजी नहायत अदब के साथ खड़े होकर अल्लाह ताला की हमदो सना करे। इसके बाद एंडिंग लाइन लगानी है। दूसरा सवाल हमारे पास है, रकू किसे कहते हैं? जवाब है, आजजी के साथ झुक कर दोनों हाथ घुटनों पर रखे जाते हैं, इसे रकू कहते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास है, किरत से क्या मुराद है? जवाब है, नमाज के दौरान कयाम की हालत में कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ना ज़रूरी है, इसको किरत कहते हैं। सवाल नंबर चार हमारे पास है, तशहद किसे कहते हैं? जवाब है, तशहद का मतलब है गवाही देना। तशहद में नमाजी इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। तो प्यारे बच्चों इसके बाद आपने तफसीली सवालात जवाबात की हेडिंग देनी है मार्कर के साथ। सवाल नंबर एक है, नमाज की अहमियत व फजीलत बयान करें। अहमियत की हेडिंग मार्कर से देनी है। दीन इस्लाम में नमाज की बहुत अहमियत है। अरकान इस्लाम में कलमाए तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन नमाज है। नमाज वो इबादत है जो तमाम मुसलमान पर यकसा फर्ज है। नमाज मुसलमान और गैर मुसलमान में फ़र्क जाहिर करती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा की हेडिंग मार्कर से देनी है, नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और अल्लाह ताला की आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। फजीलत की हेडिंग मार्कर से देनी है, इस्लाम में नमाज की बहुत फजीलत बयान की गई है। नमाज पढ़ने से इंसान का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ कायम हो जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा की हेडिंग मार्कर से देनी है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। हमारा अगला सवाल है, नमाज की शराइत बयान करें। नमाज की शराइत मार्कर से हेडिंग देनी है। नमाज की शराइत 10 ज़ेन है। मार्कर से लिखना है तहारत। नमाज पढ़ने के लिए हमारा जिस्म और वो जगह जहां हम नमाज अदा करें पाक साफ होना चाहिए। नंबर टू हेडिंग देनी है सतर। सतर से मुराद जिस्म को छुपाना है। मर्दों का सतर नाप से लेकर घुटनों तक और औरत का सतर सिवाय चेहरे हाथ और पाँव के बाकी पूरे जिस्म का छुपाना है। नंबर थ्री हमारे पास है, किबला रुख खड़े होना। नमाज पढ़ते वक्त किबला यानी बैतुल्ला की तरफ रुख करना चाहिए। नंबर फोर है वक्त। नमाज को अपने मुकर्रर वक्त पर पढ़ा जाए। कुरान मजीद में इरशादे बारी ताला है, बेशक नमाज मोमनों पर मुकर्रर औकात में अदा करना फ़र्ज है। नंबर फाइव है नियत। नमाज शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि दिल में नमाज पढ़ने का बाकायदा इरादा कर लिया जाए। नियत के अल्फाज ज़बान से भी अदा किए जा सकते हैं। इस प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके सबक का इख्तिताम हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। ये हमारा हिस्सा दोम था जिसमें हमने मश्की सवालात जवाबात के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के साथ। घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।